नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोशू में आपको मोशू स्कूल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध पूली। इसके लिए हमने 500 ग्राम दूध लिया है, हमने हाफ छोटा चम्मच हमने अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, 4 छोटी इलायची लिया है, हमने 100 ग्राम हमने चावल की आटा लिया है और हमने लिया है 200 ग्राम गुड़, एक बड़ा सा हमने नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। सबसे पहले हम चावल के आटा को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसलिए गैस चालू करके कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। इसमें चावल के आटा दे देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए चावल के आटा को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अभी हमारा 2 मिनट हो चुका है, चावल के आटा हमारा रोस्ट हो गया। अभी गैस को बंद कर देते हैं, इसको एक बाउल में हम ले लेंगे। चावल के आटा को हम एक बर्तन में ले लिया है, अभी हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे और एक डो बना लेंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। हमने सॉफ्ट डो बना लिया है, अभी इसे हम छोटा छोटा लोइया तोड़ लेंगे। हमने सारे लोइया तोड़ लिया है, अब इसको ढक के रख देंगे हम। अभी हम दूध पूली की स्टफिंग बना लेंगे, इसलिए कढ़ाई में हम ग्रेट किया हुआ कोकोनट ले लेंगे, इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक ले लेंगे, एक बार मिला देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम चालू नहीं किया है, अभी हम गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे। अभी हम इसमें गुड़ दे देंगे, इसको नारियल के साथ अच्छे से मिला देंगे। गुड़ के साथ नारियल को अच्छे से हमने मिला दिया है। अभी गैस की फ्लेम को हम लोई रखेंगे, कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और धीरे धीरे कुक करेंगे। अभी 1 मिनट हो चुका है, नारियल को एक बार हम मिला देंगे। फिर से हम कवर कर देंगे और कुक करेंगे। हर 1-2 मिनट छोड़ छोड़ के हम नारियल को एक बार मिला देंगे और पकाएंगे। पूरा आधा घंटा हमने नारियल को पका लिया है, हर 1-2 मिनट छोड़ के हमने इसको मिला दिया है। अभी हमारा नारियल का पूर बन के तैयार हो चुका है, हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। हम जो लोई बना के रखे थे उससे एक लोई लेंगे, पेड़े जैसे बना लेंगे। उसके बाद हम ऐसे गोल करके कटोरी जैसे हम बना देंगे, ऐसे कटोरी जैसे बना लेंगे। अभी इसमें हम पूर देंगे, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम उंगलियों से दबा देंगे तो फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसको प्लेट में रख देंगे।
इसी तरह से हम सारी पूली पहले बना लेते हैं। सारी पूली को हमने बना लिया है, अभी हम दूध में दे के इसको पकाएंगे। दूध को हमने गरम कर लिया है, गरम दूध में हम तेज पत्ता दे देंगे और छोटी इलायची दे देंगे। इसको एक बार हम दूध में मिला देंगे। अभी हम इसमें पूली ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से एक बार मिला देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे। हम पूली को दूध में 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक कर लिया है। अभी इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और कुक करेंगे। गुड़ ऐड करने के बाद हम दूध पूली को और 5 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम कवर को खोल देंगे। एक बार हम मिला देंगे। दूध पूली हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और दूध पूली को सर्व कर लेते हैं। दूध पूली को हमने सर्व कर दिया है, आप इसको जरूर ट्राई करना। आपके अनुभव आप मोशन स्कूल में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारे आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना और रेसिपी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरे वीडियो फेसबुक चैनल पर भी देख सकते हैं। थैंक यू।